अपनी जान दे दूंगी। मैंने चिट्ठी भी लिख दी है कि मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ। राजा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मर तो सकती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? माँ, तुम मुझे छोड़ दे, आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। किसे? उसे जो ऊपर चढ़कर अब नया नाटक कर रही है। आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे हाथ से काटने की कोई जरूरत नहीं राजा, मैं कूद नहीं जा रही। लगी अब पीछे जा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तू चुप रहे माँ, ये कुछ नहीं करने वाली, ये सब नाटक है। तू चुप रहे, मुझे तो लगता है वो जो कह रही हूँ करके दिखाएगी। नहीं माँ, ये मरने वालों में से नहीं है, ये मारने वालों में से। समस्या नहीं है, कूद जाएगी, इसे रोको। मुझे फंसाने में इसके साथ साथ तेरा भी हाथ है, तेरी तो। नहीं बेटी, तू पीछे जा, बस कर, नीचे आ, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ। मैं नीचे एक ही शर्त पर आऊंगी, अगर आपका बेटा मुझसे शादी करे तो। शादी और तुझसे? तू कूद नीचे और फिर भी ना मरी ना तो गला घोट के मार दूंगा मैं तुझे। अब चुप भी कर। देख बेटी, इस तरह गले पर छुरी रखकर हाँ करवाना ठीक बात नहीं है। तू तो जानती है किसके बाबूजी नाराज है, वो नहीं मानेंगे तब तक की शादी कैसे हो सकती है। मैं बाबूजी के मानने तक इंतजार करूंगी, उनके मानने के बाद ही मंगलसूत्र पहनूंगी, मगर पहनूंगी तो राजा के हाथों से ही, और आपको अभी मुझे स्वीकार करना होगा कहूँ कहकर, वरना मैं खुद जाऊंगी। ऐसे बोल रही जैसे जिंदा रहकर हम पर एहसान कर रही। मैं तीन तक गिनूंगी, अगर आपने मुझे बहू कहकर ना पुकारा तो मैं कूद जाऊंगी। माँ, इसे कोई वचन नहीं देना, ये गले पड़ जाएगी। हाँ एक, नहीं बेटी, पहले मेरी बात सुन। सुन, दो। अरे ये पागलपन मत कर। तीन, कूद जा। अरे चुप रहना, चुप कर। नहीं बेटी, ऐसा मत करना। माँ, मैं जा रही हूँ। तीन, तीन। नहीं 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 बेटी, नहीं। क्या कहा आपने? बहू? हाँ हाँ, बहू बहू, नीचे आ जा बेटा, नीचे आ जा बहू। आपने मुझे बहू मान लिया माँ जी? मैं नीचे आ रही हूँ सासू जी। हाँ हाँ, मान लिया, आ रही हूँ। आजा बेटा आजा, जाना नहीं है, मैं आ रही हूँ। आजा बहू आजा। चलिए सासू जी, देखिए मैं अपनी बेटी भी लाई हूँ, जहाँ आप लोग रहेंगे वहाँ कोने में मैं भी रह लूंगी। लाइए बाबू जी, जाइए जाइए, अपने अपने घर जाइए। कौन है तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हटो जी, यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, कल किसी तरह मैंने अपने आपको बाबूजी से बचा लिया, अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो। बाबूजी आ रहे हैं, अरे बाबूजी आ रहे हैं। देखो राजा, अब अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो लोग मुझे देख लेंगे। मैं इस घास में छुप जाती हूँ, जब वो जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, तुम छुप जाओ, तुम छुप जाओ, तुम छुप जाओ। अरे अरे सुनो, बाबूजी के जाते ही मुझे आवाज दे देना। हाँ हाँ, दे दूंगा। राजा जी। बाबूजी, मैंने तुझसे कहा था दूसरों से काम करवाना, तूने खुद शुरू कर दिया। तो क्या करूं बाबू, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करने चाहिए। मार के। क्यों? धूप 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 होते बाबूजी, आप बहुत छाव में खड़े रहकर बात कीजिए ना। अरे कहाँ है धूप, चल अपने काम कर, लोग जुकाम से मर रहे हैं, कदा धूप है। अरे नहीं नंदू, ये क्या कर रहा है तू? गैया को चारा डाल रहा हूँ। अरे मैंने चारा डाल दिया, तू जाया से। तेरा भूख तो बैग क्यों कर रही है, थोड़ा सा और डाल। अरे नहीं, मैंने डाल दिया, तू जाया से। अरे बेटा क्या है, क्यों जिद कर रहा, थोड़ी सी घास डालना चाहते तो डालने देना। नहीं नहीं बाबू जी, वो ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। घास खाने से? तू तू जाया से। ये क्या हो रहा है बाबू जी, आइए छाव में खड़े रहते हैं। यहाँ क्या बोल रही है? आइए ना। अच्छा बाबा चल। ये क्या है, ये कपड़ा यहाँ पर कहाँ से आया? अरे ये तो किसी लड़की की ओढ़नी लगती है। अरे क्या काका, किसी भी फालतू कपड़े को ओढ़नी कहते हो, कोई फेंक गया होगा। कितने भोले हैं, रेशमी कपड़े की भी पहचान नहीं है इनको। अजी सुनिए, आपके बाबूजी गए या नहीं? घास पे बहुत खुजली हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कि आपके चूमने से पहले बाबूजी आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे भाभी आप लोग, अरे राजा जी आपने बताया क्यों नहीं कि ये लोग अभी तक गए नहीं, मैं चलती हूँ। चुम्मा याद रखोगे ना? ओह, मेरी ओढ़नी कहाँ है? ये लीजिए आपकी ओढ़नी भाभी जी। अच्छा राजा, राजा जी कल फिर मिलूंगी।
मैं जानती हूँ राजा, आज बाबूजी की बातों से तुम्हारा दिल टूट गया है, मगर हिम्मत हार कर बैठ जाओगे तो आगे आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करोगे? अरे बात अगर सिर्फ मेरी होती तो मैं हंसी में उड़ा देता, मगर मेरी वजह से बाबूजी और माँ जो अलग हो गए ना, ऐसा लगता जैसे शरीर के दो हिस्से हो गए हों। सबर करो राजा, और किया भी क्या जा सकता है, जो कहूंगा करोगी? वापस लौटने के अलावा जो कुछ भी कहोगे करूंगी। ठीक है, कूद जाओ इस नदी में। बस इतनी सी बात? अरे अरे ये क्या कर दिया इस लड़की ने, अरे ये क्या नया नाटक हो रहा भाई। मधुबाला मधुबाला कहाँ हो तुम? मधुबाला कहाँ हो तुम? अरे मधुबाला अरे डरा ही डरा। मेरे कूदने के बाद तुम क्यों कूदे? मुझको क्या पता था कि तुम कूद जाओगी, मैंने सोचा कि तुम नाराज होकर घर चली जाओगी। देखो उसी जो आकर शादी में तुमने गड़बड़ की थी ना, उसी कारण मुसीबत उठानी पड़ रही है। और उस पगली के साथ शादी हो जाती तो अब तक तुम भी पागल हो गए होते। वो चलता था मुझको, कम से कम मेरे माँ बाप तो अलग नहीं होते। तुम क्या समझते हो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है? ये देखो जहर? हाँ, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे बाबूजी के पास जाऊंगी और कहूंगी कि आप अपनी पत्नी और बेटे को वापस बुला लीजिए, मैं राजा की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ, और फिर कहीं जाकर मैं ये जहर पी लेती